परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम बात करेंगे फिलिप जेम्स फिलिप के बारे में। मित्रों, इनका जन्म 8 अक्टूबर 1927 में अमेरिका देश के पोर्टलैंड ओरेगन में हुआ। इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1956 में हुई। उन्होंने अपनी सेवा इक्वाडोर में की। जिम एलियट, जिनका असली नाम फिलिप जिम एलियट है, फ्रेंड और कालरा एलियट के तीसरी संतान थे। उन्हें परमेश्वर के भय में परवरिश किया गया और नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जेम्स बचपन से ही मिशनरियों की गवाही को सुनते हुए बड़े हुए और किसी दिन खुद मिशनरी बनने का सपना देखने लगे। उन्होंने पोर्टलैंड के बेंसन पॉलिटेक्निक हाई स्कूल में वास्तुकला ड्राइंग का अध्ययन किया और छात्रों के बीच एक अनुकरणीय ईसाई जीवन व्यतीत किया। वीटन कॉलेज में अध्ययन करते समय जिम ने सन 1948 में इलिनोइस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिशनरी कन्वेंशन में भाग लिया। वहां उन्हें दक्षिण अमेरिकी जंगलों के जनजातियों तक पहुंचने की अत्यधिक आवश्यकता का एहसास हुआ। फिर सन 1950 में वे कैमरून टाउन सेंट के कैंप विकल्फ में शामिल हुए, जहां उन्होंने लिखित प्रतीकों में मूल भाषा को विश्लेषण करना सीखा। यहां रहते हुए उन्होंने इक्वाडोर के औका जनजातियों के बारे में सुना और महसूस किया कि प्रभु उन्हें उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। कई महीनों की प्रार्थना के बाद जिम सन 1952 में अपने दोस्त पीट फ्लेमिंग के साथ इक्वाडोर में उतरे। वे सांडिया मिशन स्टेशन में रहे और किछुआ जनजातियों के बीच काम करना शुरू किया। किछुआ लोगों के बीच एक फलदायक सेविकाई के बाद जिम ने अब सबसे भयानक हुरानी जनजातियों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। अपने साथी मिशनरियों एन मैकली, रोजर यूड्रियन, पीट फ्लेमिंग, नेट सेंट के साथ कई महीनों तक जिम ने उपहारों से भरी टोकरियों को भेजते हुए हुरानियों से संपर्क करने की कोशिश की। दोस्ती बढ़ाने में प्रारंभिक सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने इस गांव के पास एक अड्डा बनाने का फैसला किया। वहां 4 दिनों के बाद एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम नैन कीवी था और उसके साथ 2 महिलाएं दिखाई पड़ी। जिम ने अपना भोजन दिया और उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। हालांकि इन लोगों ने अपनी अज्ञानता से मिशनरियों को गलत समझा और उन्हें लगा कि वे उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वे आपस में जाकर अपने नेताओं को गलत जानकारी दी। 6 दिन पर कई हुरानी योद्धाओं ने उन पर भाले से हमला किया और सभी 5 मिशनरियों को मार डाला। लेकिन ऑपरेशन औका वहां समाप्त नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत थी। 2 साल के भीतर जिम की पत्नी एलिजाबेथ इलियट और उनकी बेटी वेनरी उन मिशनरी प्रयासों को जारी रखने के लिए वही औका गांव तक पहुंचे और उनके बीच सेविकाएं शुरू की। जिम और उनके साथियों के बलिदान ने कई औका जनजातियों को आज मसीह की सेवा में पहचान में लाया है। हे प्रियो, क्या प्रार्थना पूर्वक दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अब से ग्रहण करने वालों तक पहुंचने के लिए हम सभी को तैयार कीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।